ज्यादा होता। बड़ा नमस्ते साहब, मैं इकबाल अहमद हूँ, ग्रीन प्लैनेट कंपनी से श्रीनिवास रड़के से आया हूँ। अब आपका नाम बोलिए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूर्यकांत हनुमंतप्पा तलवार। हाँ जी, कौन सा गांव कौन सा है? औरत भी और ग्रीन प्लैनेट कंपनी की तरफ से इधर आए हुए हैं हम। इनको ये हमारा कंपनी का प्रोडक्ट ये दिए थे, ग्रो है, नाइट्रो किंग है, प्रीमियम है, ब्लूम एफसी पाउडर और स्पेडल लैंटी। ये जो है नो ये ड्रिप में छोड़ने के लिए बोले थे हम इनको, हर 8 दिन में एक बार। अब आप बोलिए सब कैसा छोड़े हैं ड्रिप में, कितने बार? हम 8 दिन के बाद छोड़े सब। पहले ड्रिप नहीं था, देर से मारे, अब ड्रिप में छोड़े। तो ये झाड़ कितने हैं सर? 1000 झाड़ है। 1000 झाड़ है, गुलाब है। ये गुलाब कौन सा गुलाब है? ये बुलेट बोलते सर, बुलेट गुलाब बोलते हैं। 1000 झाड़ जो है। अब पहले तुम्हारे झाड़ कैसे थे? पहले झाड़ ऐसे थे सर, कुछ काम का नहीं था, बारिश। एक बालिश, डेढ़ बालिश, दो बालिश, नहीं एक फीट से दो फीट तक पहले था। एक फीट ही ज़्यादा से ज़्यादा, एक फीट का झाड़ था पूरा। अब जो है इसमें इन ये ड्रिप में, पहले ड्रिप बोले तो स्प्रे की तरह जो है ड्रिप में डाले, अब ड्रिप बिठाए उन्होंने। ये ड्रिप में जो है नाइट्रो किंग, प्रीमियम और ग्रो स्पेडल 90, ये जो है ड्रिप में हर 8 दिन में एक बार छोड़े। छोड़ने से क्या हुआ सर उसमें? छोड़ने से क्या झाड़ बड़ा हुआ साहब, और झाड़ ऐसा बड़ा फूटे बाद में, एक एक खोल दिए। ये देखो सर, ये फुटाओ, फूटे ये नया फुटाओ जो है नीचे से आता पूरा, नीचे से ये देखे पूरा नीचे से जो है नया फुटाओ चालू होता है। इसको नया पोटा ज़्यादा हुआ और पोटा है, फूल भी नया है, एवरेज आ रहा है साहब, एवरेज ज़्यादा है। ये देखिए, ये फूल का देखिए, फूल कैसा साइज है, कितना वजन, कितना बड़ा है फूल, फूल के साइज देखिए। और ये जो है स्प्रे के वास्ते दिए थे हम उनको, ऊपर फूल में शाइनिंग आना, एफसी पाउडर भी है इसमें, फूल के अंदर शाइनिंग आना, फूल बड़े होना, अच्छा बड़ा फूल खिलना, वजन भी ज़्यादा आना। तो पहले जो है आप कितना निकालते थे शुरू में? पहले शुरू में सब एक दिन छोड़ को एक दिन निकाले थे, 5-6 KG आ रहा था। हाँ, तो अब जो है दवा डालने के बाद कैसा आ रहा है? अब दवा डालने के बाद एक दिन छोड़, एक दिन नहीं काटे तो दूसरे दिन 25 KG आ रहे साहब। हाँ। रोज निकाले तो 15 का ऊपर आ रहा है। हाँ। 15-20 आ रहा, 15 तो आता गारंटी। कैसा भी जो है इसमें एवरेज बढ़ गया? हाँ, एवरेज बढ़ गया सर। और फूल कैसा है? फूल शाइनिंग अच्छा है, मोटा हो रहा फूल, पहले छोटा आ रहा था फूल। हाँ। अब मोटा हो रहा, शाइनिंग आ रहा। हाँ। वो भी है, वो पिंक वाला गुलाब है। हाँ। पनीर वो पनीर गुलाब है वो। आप जो है कितना तोड़ते थे? वो 1 KG भी नहीं आ रहा। हाँ, वो कितने झाड़ है वो? 500 है। 500 झाड़ में 1 KG भी नहीं तोड़े थे। अब कितना निकल रहा है? आज जो है 5.5 KG तोड़े। ये पनीर है, पिंक गुलाब है। पहले इसमें जो है नो सिर्फ 1.5 KG से 1 KG तक ही निकाल रहे थे, अब जो है आज 5.5 KG निकाले। पहले ऐसे चार साहब उठने वाला था, अब तुम्हारे तेल मारने के बाद ये नया पूरा खोल रहा फूल, पहले पूरा फुटाओ ज़्यादा हुआ। ये देखिए फुटाओ कैसा हुआ, नया फुटाओ हुआ, नया फुटाओ से जो है अच्छा ना जो है एवरेज आ रहा है। अभी हम जो है प्याज भी लगाए उन्होंने, गोबर जितने बोले सर, मैं DAP डालते बोले थे, तुम नको बोले, नको बोले DAP नहीं डाले मैं। अब वो DAP तुम्हारा क्या कौन सा देते हो डालते हो? ये कितने दिन हुआ लगा के? 9 दिन हुआ सर। ये प्याज जो है लगा के 9 दिन हुआ। ठीक है सर, अब गाड़ा में बोलिए। अभी ये नहीं कर प्याज के बारे में, गुलाब के बारे में। ಈ ಗುಲಾಬಿ ಇವರು ಕೊಟ್ಟಂಥದ್ದು ಔಷಧಿ ಆದ ಮೊದಲ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ತಳಗೆ ಬಡ್ಡಿಯಾಗ ಸಿಂಪಡಿಸಿ
ಆಮೇಲೆ ಎಂಟನೇ ಆವಾಗ ಮೇಲೆ ಉಪ ಮೇಲೆ ಮೇಲುಗಡೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿದಾಗ ಗಿಡಗಳು ದೊಡ್ಡ ಆಗಿ ಮಗ್ಗಿಗಳು ಜಾದಾ ಬಿಟ್ಟು ಎವ್ರೇಜ್ ಚಲೋ ಮತ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಂಟದ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಈ ಗುಲಾಬ್ಗೆ ಒಂದು ಎಕರೆ ಗುಲಾಬ್ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನೇ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಮೊದಲು 5 ಕೆಜಿ ಕಡಿತಿದ್ದ, ಈಗ 15-25 ಕೆಜಿ, ನಾನು ಇವತ್ತು 25 ಕೆಜಿ ಕಡಿದೀನಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಗುಲಾಬ್ ಹಚ್ಚಿದಂಥ ರೈತರು ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಕಂಪ್ನಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಫಲವತ್ತವಾದ ಹೂಗಳು ಬರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲ ಸಿಂಪಡಿಸೋ ರೈತರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಾನು ಮಾತುಗಳನ್ನು.